फरीदकोट विच पीआरटीसी दी बस ते फौज दे ट्रक दी टक्कर विच तीन फौजियां समेत छे व्यक्तियां दी मौत हो गई। इस हादसे विच 11 व्यक्ति बुरी तरह जख्मी होए ने। जख्मियां विच पंच जवान भी शामिल हन जिन्हां दी हालत काफ़ी नाजुक दसी जा रही है। फौजी अधिकारियों ने देर रात हैलीकॉप्टर राही इन्हां जख्मी जवानों नूं मिलटरी हस्पताल चंडी मंदिर पहुंचाया। हादसे की लपेट विच दो मोटरसाइकिल सवार विद्यार्थी भी आ गए जिन्हां दी घटना स्थान उते ही मौत हो गई। घटना तो तुरंत बाद डिप्टी कमिश्नर अते जिला पुलिस मुखी भी मौके उत्ते पुजे, पर फौज ने सिविल प्रशासन की मदद लैण की थां अपने पद्धर उत्ते पूरी घटना नाल निजिठदिआं हादसे तो अद्धे घंटे बाद ही अपने जख्मी जवानों नूं हैलीकॉप्टर राही मिलटरी हस्पताल दाखिल करवा दिता, जदों कि बाकी जख्मी गुरु गोबिंद मैडिकल कॉलेज अते हस्पताल फरीदकोट विखे इलाज अधीन हन। फौज के उच्च अधिकारियों ने कहा कि छौनी नज़दीक लंघन वाले सिविल वाहनों को हौली चलन की लिखती हदायत की हुई है। इस दे बावजूद पीआरटीसी की बस तेज़ रफ्तार अते लापरवाही नाल चलाई जा रही थी जिस नाल यह भयानक हादसा वापर गया। बस रुकी नहीं बस वाले ने कट मारिया, बस इतने खुल गया, बच गया। अस तो बस वाले मानते हैं, बस वाले हौली चला लैन पहला तो इतने बस तेज लिया जाते। देश भर में महिला दिवस मौके वख-वख थावां उत्ते समारोहों का आयोजन किया गया। इस मौके औरतों की सुरक्षा और उन्होंने हकों की गल की गई। भारत में रोज़ाना 22 औरतां दाज की बली चढ़दियां ने अते 92 औरतां रोज़ाना जबर जनाह का शिकार होंदियां ने। सभ्यक देश वजो जाने जाते भारत में हर 7 मिनट में एक औरत विरुद्ध एक अपराध होंदा अते हर 54 मिनट में एक जबर जनाह होंदा। राजधानी दिल्ली जिथे बलात्कार वर्गे घिनौने मामले आए दिन सामने आउंदे ने, उत्थों औरतां वल्लों जागरूकता रैली कढ़ी गई जिस विच वड्डी गिनती विच औरतां शामिल होईआं। मैं बस वही है, आज जो भी हमारी गवर्नमेंट आ रही है उससे वुमेन्स की सेफ्टी की अपेक्षा करते हैं कि जितनी ज़्यादा हमें सेफ्टी मिले उतना अच्छा है। जिस तरह से कांड हुए हैं पीछे, तो वो नहीं चाहते कि हम दोबारा दिल्ली में इस तरह के कभी कोई कांड हुए। और यही वुमेन्स डे में यही संदेश है कि सब लड़कियां और सब जितनी भी औरतें हैं अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें और गवर्नमेंट से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी ध्यान दें। यही कहना चाहूंगी कि चाहे औरत वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ, उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको इज्जत मिलनी चाहिए सोसाइटी में, घर में, हर जगह। और जो औरतों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। प्रशासन को भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज महिला दिवस है और ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो जैसे कि आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्री भी देखा होगा जहाँ पे मतलब हर जगह आप देखो तो एक पूरा कल्चर हो गया है, एक ऐसा सोशल सेटिंग हो गया है जो मतलब हर तरह की वायलेंस विमेन के अगेंस्ट कंडोन करता है। और ये वायलेंस कुछ ऐसा मतलब ये वायलेंस अलग अलग टाइप का वायलेंस हो सकता है, वर्बल या मेंटल या जैसे मतलब छोटे छोटे चीजों की तरफ से, मतलब जैसे हम सोचते हैं, जैसे मर्द सोचते हैं यहाँ के, तो ये बदलने की जरूरत है और ये तभी बदलेगी जब ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होगा। कौमांतरी महिला दिवस संबंधी नाहन विच अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति वल्लों एक रैली कढ़ी गई। इस रैली विच जिला भर तो औरतों ने वड्डी गिनती विच हिस्सा लिया। इस मौके औरतों उत्ते वध रहे अत्याचार उत्ते चिंता प्रकट की गई। महिलाओं को ही महिला हिंसा के लिए दोषी ठहरा रहे हैं कुछ लोग जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाली ताकतें हैं और जो रूढ़िवादी ताकतें हैं और जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, जो केवल ये कह रही है कि महिलाओं के पहनावे से महिला हिंसा बढ़ रही है या उनके जो रहन सहन से वो महिला हिंसा बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है।
और हमारा ये मांग है कि इस तरह की जो मुहिम है, इस तरह की जो वो प्रचार कर रहे हैं, उससे महिलाओं के ऊपर हिंसा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम जो दलित उत्पीड़न विरोधी मोर्चा है वो इन महिलाओं के साथ लगातार साथ है, और इस मुद्दे को लेकर कि जो दलित महिला है उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर जो हमले होते हैं, उनको रोकना होगा और सरकार को उसके लिए कोई कड़ा कदम उठाना होगा। उधर औरत दिवस के संबंध में एक पेंटिंग प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिस विच औरतों नूं वक वक तस्वीरां जरिए सत्कार का दर्जा देने की प्रेरणा दी गई। हम आज MH गैलरी में आए हैं पेंटिंग्स देखने, और यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं की पेंटिंग्स हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो लेडीज़ के ऊपर जितनी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे हम वो सब देख रहे हैं, वो सब देख के हमें बहुत खुशी मिल रही है और हमें गर्व है अपने ऊपर कि हम भी महिला वर्ग में आते हैं। तरुण, क्या आपने ये लगाया है यहाँ पे? यहाँ पे हमने महिला दिवस के ऊपर एग्जीबिशन की है कि MH आर्ट गैलरी में, और यहाँ पे हमने महिला के हर पहलुओं को दिखाने की कोशिश की है कि महिला दिवस के ऊपर, और यहाँ पे उनकी जो उनकी वेदना है, उनकी संवेदना है, आज महिला किस रूप में यहाँ प्रस्तुत है समाज में, उसको दर्शाने की कोशिश की है। और इसमें रेप कांड से लेकर आप भ्रूण हत्या तक के मामलों को हमने इसमें उजागर किया है। सब आर्टिस्टों ने बहुत यंग आर्टिस्टों ने सबने पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है। ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਕੱਕੜਵਾਲ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ SCBC ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਘਿਨਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮ ਨੂੰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਲਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ ਸੀ। ਆਲਮ ਨੂੰ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखिए, ये एक छोटी जेल से बड़ी जेल की मुंतकिली है, तो अब इस बात का इत्मीनान है कि बाहर आकर आप काम कर सकते हैं, मजाहमत कर सकते हैं, तो इस ये जो गुलामी की जंजीरें हैं इनको काटने के लिए आप जुदोजहद कर सकते हैं। जहां तक हुकूमतों का सवाल है, हुकूमतें बदलने से हकीकत नहीं बदलती, तो लिहाजा हकीकत ये हम खुद बदल लेंगे इंशाल्लाह, ये पूरी कौम बदलेगी, तारीख इस चीज का मुशाहिदा करेगी कि हकीकत बदल दी जाएगी। बाकी हमें सरकारें बदलने से कोई सावकार नहीं है। देखिए, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं जब से हमने होश संभाला है तो तब से अक्सर जिंदगी जो मेरी गुजरी है तो जेल में गुजरी है, तो फिर गिरफ्तारी होगी तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। बीजेपी हमारी सरकार मिली जुली है। मुफ्ती साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है। मेरे ख्याल में जेल में किसको रखना है, किसको छोड़ना है, जम्मू कश्मीर का माहौल किस तरह सही रहेगा, ये मुझे कम से कम ये बातों में उन्हीं पे छोड़नी चाहिए। क्योंकि क्या कोई भी सरकार ये चाहेगी कि हमारा माहौल खराब हो गया? अगर खुदा ना खास्ता कल को हमें लगता है किसी ऐसे कैदी को रिलीज करने से
जम्मू कश्मीर के माहौल पे मनफी असर पड़ता है तो वो तो हमें हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको कैसे डील करें। पिछले कई सालों में इन लोगों को कई बार पकड़ा गया, कई बार छोड़ा गया, फिर पकड़ा गया, फिर छोड़ा गया, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। किसी कैदी को कोई जो करता है, कोई सियासी वर्कर है, उसको जेल में डाला जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इतना घबराने की जरूरत है, इतना हंगामा करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने एक बहुत बड़ा फैसले के तहत मसरत आलम को छोड़ने का फैसला लिया है। अब देखना यह है कि बीजेपी मुफ्ती मोहम्मद सैयद के इस फैसले के साथ कितना कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल पाती है। आशीष कोहली, डे एंड नाइट न्यूज़ के लिए जम्मू से। मसरत आलम की रिहाई नू लेके जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी ने मुख्य मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद उत्ते सवाल चुके ने। राष्ट्र सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा जुड़ी है या लोकल प्रेशर? तो प्रेशर तो कश्मीर में सबसे ज्यादा जमात इस्लामी का है और पाकिस्तान का प्रेशर भी होगा। और मुफ्ती साहब ने पहले ही दिन प्रधानमंत्री की समझो मौजूदगी में ही पाकिस्तान का शुक्रिया कर रहे थे, तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि मुफ्ती कहाँ देख रहे हैं, मुफ्ती साहब का एजेंडा क्या है। 120 घर जो भुगत चुके हैं और क्या वजह रहे हैं, मैं फिर कह रही हूँ कि लीडरशिप की कमियां हैं, गलत लीडरशिप के इसमें जा रहे हैं। ब्रेन वॉश जो हो रहा है कश्मीर में होता आया है, तो आई थिंक इस पे सीरियस विचार हो रहा है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस से प्रधान गिदड़बाहा तो विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में चल रहा रेड़का इस महीने खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों बारे हाईकमान ने व्यापक पद्धर उत्ते चर्चा छेड़ी हुई है। चंडीगढ़ पत्रकारों नाल गलबात करदे राजा वड़िंग ने ऐलान किया कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वालों 16 मार्च को जमीन प्राप्ति बिल FCI को खत्म करने जैसे मुद्दों को लेकर संसद का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंधी 12 मार्च को उत्तर प्रदेश में एक पैदल यात्रा भी कड़ी जाएगी। यह यात्रा 15 मार्च को दिल्ली विखे राजघाट से पुजेगी। इस मौके उन्होंने दसाया कि यूथ कांग्रेस पंजाब के 3.25 लाख मैंबर बन चुके हैं, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के कुल 79 लाख मैंबर हो गए ने। पंजाब विच जमीन हेठले पानी दे डिग रहे पद्धर ने खेतीबाड़ी मारा नूं भी चिंता विच पा दिता है। पानी दे डिग रहे पद्धर दा सीधा असर खेतीबाड़ी ते पै रहा है। बेशक सरकार ने इस संबंधी कानून भी बना दिता पर इस दे बावजूद पानी थले जा रहा है। पंजाब अते केंद्र सरकार भी हुण इस मामले उत्ते गंभीर हो गए ने। केंद्र दी एक टीम वल्लों इस संबंधी पंजाब दा दौरा किया गया। उधर पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे किसान क्लब वल्लों किसानां नूं फसली चक्कर चों निकलण लई लगातार प्रेरित किया जा रहा है। उन्हां नूं होरां फसलां दी खेती करके खेती नूं लाहेवंद धंधे वजों विकसित करन दी सलाह दित्ती जा रही है। इसमें बहुत कुछ, सबसे पहले तो एकदम से कुछ भी बंद नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी क्रॉप्स के लिए एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए ताकि उनकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम ना आए, उनकी ग्रोइंग के सिस्टम में थोड़ा एक बार धीरे धीरे उसको घटाया जा सकता है। एक स्टेज मान के चलो कि 10 साल तक उसको एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, 10 साल में इसको हमने इस लेवल पर लेकर आना, लेकिन एकदम से बंद कर देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा किसानों को भी प्रॉब्लम आएगी। पैडी की वजह से सॉयल हेल्थ की और बहुत सी और प्रॉब्लम जी काफ़ी आ रही हैं पिछले समय से। कुछ और स्टेट्स ने भी पैडी प्रोड्यूस करना शुरू की है बहुत बड़े बड़े लेवल पर, और वो सभी समस्याएं दूर करने के लिए हम पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन प्लान को काफ़ी पुश कर रहे हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो हॉर्टिकल्चर की, वो चाहे ऑर्चर्ड की हैं, फ्रूट्स की हैं, वेजिटेबल्स की हैं, मशरूम की हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, नर्सरी प्रोडक्शन है, वो सारा फोकस कर रहे हैं। चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौंक तो एक व्यक्ति की लाश मिली है। दसिया जा रहा है कि व्यक्ति के कोल 16 लाख रुपए और 10 मोबाइल फोन सन। जानकारी मुताबिक PCR की गड्डी ने इस व्यक्ति को हस्पताल पहुंचाया जिथे डॉक्टर ने उसको मृत ला दिता। यह भी दस दिए कि इस व्यक्ति का नाम नरसिंह है जिसकी उम्र 55 साल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हाँ, बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो गई थी, रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़ ओनली, सेक्टर 47 के रहने वाले, नरसिंह देव सिंह बेदी पूरा नाम है। ही इज द डिजीज इज अराउंड 55 to 56 ईयर्स और हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड पहुँचे। तो इसके पास से कुछ कैश भी रिकवर हुआ है? हाँ, कुछ कैश रिकवर हुआ है, कुछ एक मोबाइल फोन्स भी थे। इनके जानने वालों से पूछताछ पड़ताल की गई है तो उसमें ये पता चला है कि ये प्रॉपर्टी का सेल परचेज का बिजनेस करते हैं जी। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है और मोस्ट लाइकली उसी की पेमेंट इनको रिसीव हुई होगी। और आज मॉर्निंग में ये घर से चले थे दिल्ली जाने के लिए, तो ट्रिब्यून चौक के पास जहाँ का वाकया है, जहाँ पे बॉडी मिली है पीसीआर को, तो वहाँ से मोस्ट लाइकली बस पकड़ने के लिए दिल्ली की ये रुके होंगे। बॉडी पे प्राइमा फेसाई कोई इंजरी मार्क नहीं है, तो बाकी पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा कॉज ऑफ डेथ क्या। सोलन के दाऊ घाट में रेता काट रहे एक मजदूर की मलबे में दबन कारण मौत हो गई है। 35 साल टिका राम नेपाल का रहने वाला सी, जिस समय वह रेता काट रहा है उस समय उपर तो अचानक मलबा डिगन कारण वह उसके थले दब गया। घटना तो बाद पुजी पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम करके वारसा हवाले कर देती है। अचानक बोला बंदे को रेता खोद, बंदा उधर रेता खोद रहा था, मैं इधर था, फिर वो उसको लाश आ गया, मेरे को कहीं से फोन आ गया, मैं इधर फोन सुनने लग गया, मैं बच गया, नहीं तो मेरा भी सिर में बत्ता, मैं थोड़ा बच गया, नहीं तो मेरे को भी लगना था, वो दब गया यहाँ पे। फिर हमने खोद के निकाला उसको। हम तो चाहते उसके बच्चों को बीवी को देखना चाहिए, हमारा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश विच मार्च महीने विच भी जारी बारिश और बर्फबारी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिते ने। इस मौसम ने सैलानियों को उत्साहित किया है। कुफरी विच ताज़ा बर्फबारी कारण बड़ी गिनती में सैलानी इत्थे पुज रहे ने। सैलानियों की आमद ने स्थानक दुकानदारों और व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी लिया दिती है। ये हम अमृतसर से आए हैं, तो कुफरी देखने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ की बर्फ, इतनी बर्फ, इतनी ज्यादा बर्फ डला हुआ है, सफेद हो रहा है चारों तरफ, इतनी बर्फ देख हमने पहले कभी नहीं देखी। वैसे लोग नहीं, हम फर्स्ट टाइम आए हैं। बस बच्चे ये बर्फ उठा के दूसरे को मार रहे हैं, बहुत मतलब इंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी, हमें बहुत खुशी से हो रही है। हमारे टाइम्स जब से भी लेके टूरिज्म इंडस्ट्री जुड़ी हुई है यहाँ पे, जैसे हॉर्स वाले हैं, यूनियन गाड़ी वाले हैं, 1990 के बाद मार्च में बर्फ़ गिरी है, काफ़ी समय के बाद बर्फ़ गिरी है, और हमारा बिजनेस भी अच्छा चलेगा, कारोबार जैसे स्किंग है, घोड़े वाले हैं, फोटोग्राफर है, टैक्सी वाले हैं, तो इससे 10-15 दिन तक बढ़िया, जैसे बर्फ़ गिरी है 5-6 फुट बर्फ़ है यहाँ पर गिरी हुई है, तो अच्छा आनंद लेंगे। पिछले 6 दिनों तो जम्मू विच फसे लोगों ने जम्मू सरकार खिलाफ जम के रोस मुजहरा किया। लोगों ने मांग की है कि उन्होंने रहन का प्रबंध किया जाए और खाना दिता जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन उन्होंने श्रीनगर पहुँचाने का तुरंत प्रबंध करे। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद हुए आज 6ठा दिन है, और आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड में ये सब लोग हैं जो कि 6 दिनों से फंसे हुए हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से। अभी भी मौसम की माने तो नेशनल हाईवे जल्दी खुलने वाला नहीं है, और ट्रैफिक जो है आज श्रीनगर से जम्मू आ रही है। आइए हम बात करते हैं कि इन लोगों में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये लोग 6 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं, खाने की प्रॉब्लम है, रहने की प्रॉब्लम है, ये हमारे साथ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम? तहमीना ज़ूर। तहमीना, इतने दिन से आप यहाँ फंसे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? हमें खाने की प्रॉब्लम आ रही है, हमारी पढ़ाई भी वेस्ट हो रही है, हम अगर घर पे होंगे तो हम पढ़ाई भी करते हैं, यहाँ पे खाने की भी कमी होती है, सर्दी भी है बहुत, हम 5-6 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं जी। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे जो आप फंसे हुए हो? हम यहाँ पे फंसे, मैं नहीं, यहाँ पे सब लोग, ऑल द पीपल्स हियर गैदरिंग, दे आर फेसिंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, लाइक हियर द होटल्स, दे आर चार्जिंग वेरियस चार्जेस फॉर अस फॉर द वन डे, फॉर वन नाइट हियर, फ्रॉम 5 or 6 days वी आर वेटिंग हियर, we are facing lot of problems here, and the media is also releasing, or the traffic police is releasing the news that today the traffic will be from Jammu to Srinagar, and now we are seeing that the traffic is coming from Srinagar to here, and we have come from different places that today the traffic will be released from here, now we are seeing that there not hotels are there,
होटल्स आर चार्जिंग अस वेरियस फीसेस 1,000-5,000 रुपीज वाई फ्रॉम यू विल सी देयर चिल्ड्रंस गर्ल्स आर देयर ओल्ड पीपल्स ऑल आर हियर दे आर वेटिंग टू गो श्रीनगर बट नथिंग इज डन बाय द ट्रैफिक और एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आप ये बताइए कि कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप भी यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ हैं, बच्चे हैं आपके साथ, कितनी मुसीबत आ रही है आपको? मुसीबत तो बहुत सारी है, सर्दियाँ हैं, रास्ता बंद है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, होटलों की प्रॉब्लम है, जहाँ जाते हैं पैसे डबल डबल मांगते हैं, क्या करेंगे? प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है। आज रात को बता दिया कि जम्मू से श्रीनगर जा रही है, लेकिन यहाँ पर पहुँचे तो श्रीनगर से जम्मू आ रहा है ट्रैफिक, वो भी बंद है। गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हम भी फंस रहे हैं। साफ जाहिर है कि प्रकृति का कहर पड़ा है और 6 दिन से रास्ता बंद होने के कारण ये लोग सब यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इन लोगों की सूद लेती है और इन लोगों की मुसीबतों का हल करती है। आशीष कोहली, डे एंड नाइट न्यूज के लिए जम्मू से। पंजाबी खबरों विच फिलहाल इन्ना ही, सानू दियो इजाजत, धन्यवाद। खबरों दी दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे भी किते भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।